नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको आलू और गेहूं के आटे से चटपटा करारा स्नैक्स बना के दिखाने वाला हूं, जो कि खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। तो फिर चले बनाना शुरू करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आलू लेंगे। यह मैंने एक आलू को बॉईल करके कद्दूकस करके लिया है। तो इसके साथ में डालते हैं 1 कप गेहूं का आटा, यह है 1 चम्मच अजवायन, इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालते हैं, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, यह डाल दिया, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल के स्वादानुसार नमक डालेंगे। अभी इसे पहले मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाते हैं, जैसे कि रोटी चपाती के लिए लगाते हैं वैसा। आप देख सकते हो कि हमारा ये आटा गूंद कर तैयार है। अभी क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर सूखा आटा डालेंगे और बाद में आटे को इसके ऊपर रख कर बेल कर लेंगे। दोस्तों, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बल्कि जाड़ा बेल कर लेना है। और इसे बेलते समय इसका शेप मायने नहीं करता, क्योंकि हम इसे काट लेने वाले हैं। ये देखिए, इसी तरह जाड़ा बेल कर लेना होगा। अभी क्या करेंगे, ऐसा ढक्कन लेकर ढक्कन से काट लेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो इस स्नैक्स को किसी और शेप में भी बना सकते हो। ऐसे काट लेने के बाद बचे हुए पोर्शन को हटा के दोबारा बेल कर स्नैक्स बना सकते हैं। अभी क्या करना है, एक एक स्नैक्स के ऊपर कलौंजी या फिर सफ़ेद तिल लगाकर फ्राई करना है। इसे फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर फ्राई करें, ताकि ये करारे बने। तो आप इसे चाय के साथ या फिर कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इसे आप जरूर बना के देखें। यह बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी बनता है। ये देखो, हमारा यह स्नैक्स बनके तैयार है।